एक साहब हैं जी, उन किसी ज़माने में मैंने उनकी बहुत सी किताबें पढ़ी। उनका नाम है टोनी बोजॉन। दुनिया में याददाश्त एक मजमून के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, याददाश्त को, मेमोरी को, क्योंकि आपका मेरा वास्ता तो सिर्फ इम्तिहान तक रहता है। लेकिन कभी आप गौर कीजिएगा कि याददाश्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें हर लम्हा है। आप यहाँ से घर वापस जाएं तो आपको रास्ता ही नहीं अगर याद, आप कैसे पहुँचेंगे? एक लम्हा के लिए आप सोचिए कि रात के किसी पिछले पहर में आपकी आंख खुलती है और कोई अपना ही सामने होता है। आपका माइंड जो है वो फौरी तौर पे प्रोसेस नहीं करता और वो रिकॉल करके उसकी मेमोरी में ये नहीं आता ये कौन है, तो आप अपने को देख के भी चीख मारते हैं और आप कहते हैं तुम कौन हो। वक्त गुजरने के साथ साथ जब बुढ़ापा आता है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली चीज़ जो माइंड की फैकल्टी है, बॉडी के तो अज़ा कमज़ोर होते हैं, माइंड की फैकल्टीज़ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज होती है वो मेमोरी है, याददाश्त है। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा मुहक्किक गुजरा है इसका सबसे ज़्यादा काम याददाश्त पे, उसको टोनी बोजॉन कहा जाता है। टोनी बोजॉन की किताब थी जिसमें माइंड मैप मैंने सीखा था, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। टोनी बोजॉन की दो बेसिक थ्योरीज हैं। वो कहता है कि कोई भी चीज तब याद रहती है जब उसमें इंटरेस्ट हो। आपको आपकी इंटरेस्ट की चीज खुद ही याद हो जाएगी। मिसाल लीजिए, आप में एक नगमा पाया जाए, आपकी पर्सनैलिटी में रिदम है, आपकी पर्सनैलिटी में एक इंक्लिनेशन और रुझान है शायरी का, तो शेर याद करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लिटरेचर के बड़े बड़े जुमले उन लोगों को याद रहते हैं जिनमें लिटरेरी रुझान होता है। आपके अंदर फितरती जो रुझान है, शौक है, वो याददाश्त में बड़ा सपोर्ट करता है। हजूरे वाला, टोनी बोजॉन की ये सारी बात बताने का मकसद क्या था? दो चीज़ें याद रखिए इंसान की याददाश्त को तेज कर दे, एक इंटरेस्ट, दूसरी क्या चीज़ें, रेलिवेंसी। आप सबसे दरख्वास्त है, खुदा के लिए उर्दू इस्लामियात मुताला में सिर्फ नंबर लेना ना सिखाए। इस्लामियात का इम्तिहान 1.5 घंटे का नहीं है, 2 घंटे का नहीं है। इस्लामियात का इम्तिहान तो पूरी जिंदगी का इम्तिहान है, उर्दू का इम्तिहान तो पूरी जिंदगी का इम्तिहान है। मुताला पाकिस्तान के टीचर का फर्ज बनता है, वो अपने तालिब इल्म में पाकिस्तानियत पैदा करे, वो उसको बताए कि इन बॉर्डर्स पे कितनी जाने गई थी, सैकड़ों कुएं ऐसे रहे जिसमें लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई। जाके जरा तारीख उठा के देखिए, गंडा सिंह का बॉर्डर निकाल लीजिए, लाहौर का बॉर्डर निकाल लीजिए, आगे सारी बेल्ट के बॉर्डर्स निकाल लीजिए, वो कम से कम हिस्ट्री तो बताए। खुदा की कसम, एक कौन गिर जाए ना किसी की, वो रो पड़ता है, मेरी कौन थी 30 रुपए की। सर, ये मुल्क आपने जाने देकर हासिल किया, इसकी वर्थ ये, क्या कुछ गंवाने के बाद मुल्क मिला? ये फर्ज बनता है मुताला पाकिस्तान के टीचर का, वो आइडियोलॉजी दे। अगर मुताला पाकिस्तान का टीचर पढ़ाए और सिर्फ नंबर आ रहे हैं, वो नलायक उस्ताद है, बड़ी माफी के साथ ये मैं कह रहा हूं, मेरा कबीला टीचर मैं भी हूं, खुली बात कह रहा हूं। मुताला पाकिस्तान पढ़ाने वाले टीचर का फर्ज है वो पाकिस्तानियत को पैदा करे, वो उसका नजरिया क्लियर करे, वो उसको बताए कि तराना क्या चीज होती है, उसको बताए लप्पे आती क्यों पढ़ी जाती है, उसको बताए कि पाकिस्तान क्यों बना दिया था। उर्दू का टीचर सबसे बड़ा एहसान कर, ये पाकिस्तान में जवाल आ गया यार, हम लोकल लिटरेचर को नहीं जानते। आज आपको दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, आपका MSc MPhil का बच्चा, वो लोकल लिटरेचर इश्फाक साहब को, फैज अहमद फैज को, वासिफ अली वासिफ को नहीं जानता। उसे इंडियन हीरोज का पता है, उसे इंटरनेशनल नई मूवीज का पता है, उसको नए अजीबो गरीब ड्रामों का पता है। जुरे वाला खुदारा, उर्दू पढ़ाएं, लिटरेचर का जोक शोक पैदा हो। हमारी तालीम की मौत ये है, हमारे टीचर ने किताब पढ़ना छोड़ दी। और मत भूलिएगा, जिस नामे नामी पे आप मर मिटने को तैयार हैं, जिनके कदमों की खाक पे भी हमने सार, उसी ज़ाते ग्रामी ने फरमाया है कि मुसलमान पे जो इल्म है वो माँ की गोद से कब्र तक लाजिम है। MBA तक इल्म नहीं था, इल्म था सारी जिंदगी, हमने इल्म को नंबर रट्टा डिग्री बना दिया। मेहरबानी फरमा के जहमत कीजिए, अपने बच्चों को इल्म का शौक दीजिए। तालिब इल्म मतलब क्या है? इल्म का तालिब, वो सीखे, वो लर्न करे।
ये अगर कुछ रोज नया नहीं सीखते, आप तालिब इल्म नहीं है। जो अच्छा तालिब इल्म नहीं है वो अच्छा उस्ताद नहीं है। जो अच्छा तालिब इल्म होता है वही अच्छा उस्ताद होता है। मैं आपको अमीर होने का नुस्खा यूं बता देता हूँ, खुदा के लिए अपनी इमारत को, अमीर होने को पैसों से ना देखें। आपने गिनना है आप कितने अमीर हैं, आप देखिए कितने तालिब इल्म हैं जो आपके हाथ चूमते हैं क्योंकि आपने उनको पढ़ाया। ये आपकी दौलत है, ये औलाद दौलत होती है, शागिर्द दौलत होते हैं, इज्जतें दौलत होती हैं, बरकतें दौलत होती हैं। और अल्लाह जब कर्म कर देता है तो याद रखिएगा, उस्ताद चला जाता है, उसके शागिर्द उसका हवाला बन जाते हैं। हमने उससे सीखा है तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं।